अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो शुरू किया था वो रस्ट में लूप को देखना शुरू किया था। हम लोगों ने ये देखा था कि लूप हमारे पास होती क्या है, हम लूप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले लूप की डेफिनेशन बताई थी, लूप हमारे पास होती क्या है और लूप को हम लोग मतलब यूज़ कैसे करेंगे। उसकी मैंने आपको टाइप बताई थी, मैंने कहा था दो टाइप की लूप होती है, वाइल लूप एंड फॉर लूप। फिर मैंने वाइल का सिंटैक्स बताया और वाइल को हम लोगों ने इसमें एडिटर में यूज़ भी किया इंटेलिजे आइडिया के अंदर। ठीक है, आज मैं आप लोगों को वी एस कोड भी बताऊंगा किस तरीके से हम वी एस कोड में भी प्रोग्राम्स कर सकते हैं, और साथ के साथ मैं आप लोगों को फॉर लूप भी यूज़ करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट लूप है हमारी फॉर लूप, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर लूप हमारे पास मौजूद है। इसमें हमारे पास होता क्या है कि फॉर लूप के अंदर जो हमारे पास लूप मौजूद है, इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसके बाद इनका एक वर्ड लिखते हैं और उसके बाद हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन मीन तो मतलब स्टार्ट से, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है, वो सारी सारी बातें लिखते हैं। आज सिर्फ हम लोग फॉर लूप के बारे में बात करेंगे, कल जब हम लोग एरे शुरू करेंगे तो मैं वाइल से भी एरे करवाऊंगा, डू वाइल से भी एरे करवाएंगे, उसके बाद हम लोग मजीद बाकी लिस्ट वगैरह और बाकी चीज़ें भी हम लोग देखना इससे शुरू करेंगे, टपल वगैरह भी। ठीक है, तो ये हमारे पास पता लग गया कि फॉर लूप हमारे पास किस तरीके से होती है। अब मैं फॉर लूप के लिए चलता हूँ हमारे एडिटर की तरफ, और एडिटर में हम लोग इसको यूज़ करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एडिटर है, और इसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट में अपना जो वी एस कोड है उसमें हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसका भी मैं बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगा, इंतहाई आसान, किस तरीके से आप लोग डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग फाइल क्रिएट करते हो, टर्मिनल में आया जाता है भी नहीं आया जाता है, वो कैसे, तमाम की तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो ये है कि हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कोड है वो कोड फॉर लूप हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, और फॉर लूप का हमारा जो यूज़ है उसमें हम लोग किस तरीके से ये देखेंगे कि फॉर लूप को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं कि एग्जांपल्स हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, और मैं साथ के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे वो एग्जांपल यूटिलाइज होती हैं। ओके, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लूप चलाता हूँ जिसमें एक से लेकर 10 तक वैल्यूज को डिस्प्ले करता हूँ। उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, लेट मट आई, ठीक है, और बस आई, बस इसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर मैं इसको आई यहाँ डिक्लेयर भी ना करूँ तब भी कोई इशू नहीं है, क्यों, क्योंकि फॉर लूप में वो डायरेक्टली ही हमारे पास डिक्लेयर होती है। किस तरीके से, मैं लिखता हूँ फॉर, मैंने लिखा आई इज इक्वल टू इन, और इसके बाद मैंने लिखा वन डबल कॉलन, और कहाँ तक जाना है हम लोगों ने, 11 तक। ठीक है, इस 11 तक का जाने का मतलब ये है कि हमारे पास, हम लोग जब लिखते हैं 11, इसका मतलब है कि एक इंडेक्स पीछे, मतलब 1 to 10 तक वैल्यू डिस्प्ले करेगी। मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ println, println में मैंने डबल कोटेशन लगाई, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाई ताकि मैं वैल्यू डिस्प्ले करवा सकूँ, थोड़ा सा मैंने स्पेस दिया, ln की बजाय मैं प्रिंट लिखता हूँ ताकि एक ही लाइन पर सारा डाटा हमारे पास प्रिंट हो। इसके बाद मैंने कोमा लिखा और मैंने आई वेरिएबल डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब ये जो आई वेरिएबल हमारे पास हो गया, अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन लगाया और मैंने राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, ये रन। ठीक है, अब ये मेरे पास रन हो गया, हेलो वर्ल्ड रनिंग हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। अब कंपाइल होने के बाद अब ये देखिएगा हमारे पास हमारा ये आउटपुट आता है, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक एक वैल्यू उठाता है, आई में लोड करता है, आई उसको जाकर डिस्प्ले करता है, पहले 1 उठा कर दिया, 1 डिस्प्ले किया, फिर 2 उठा कर दिया, 2 डिस्प्ले किया, फिर 3 उठा कर दिया, 3 डिस्प्ले किया, फिर 4 उठा कर दिया, 4 डिस्प्ले किया, फिर 5। इस तरीके से हमने लूप की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही थी, क्या थी कि हमारे पास तब तक लूप चलती रहती है जब तक कंडीशन गलत ना हो जाए, और बार बार किसी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से फैक्टोरियल अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं यहाँ पर लेट मट फैक्टोरियल मैंने बताया था, तो मैं एफ वेरिएबल ले लेता हूँ इक्वल टू 1 के। ठीक है, और फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है तो 1 से लेकर उस नंबर तक, मतलब 5 का फैक्टोरियल लेना तो 1 to 6 तक जाएंगे ताकि वो 5 तक हमें लूप को लेकर जाए, तो उन तमाम वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आई।
ठीक है, हर बार आई चेंज होता रहेगा और एफ के साथ एफ में जो भी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके वापस एफ को ही दे देगा। तो इस तरीके से एफ की वैल्यू बार बार अपडेट होती रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ प्रिंट, यहाँ चलें जी प्रिंट एलन लिख देता हूँ मैं, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट आएगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल इज इक्वल साइन और ये ब्रैकेट, क्योंकि ये ब्रैकेट आपके पास डिस्प्ले करवाती है। ठीक है, इसके बाद बाहर आते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर क्या डिस्प्ले करवा देता हूँ मैं, एफ। ओके, तो ये फैक्टोरियल का एफ हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन हेलो वर्ड। अब ये देखिएगा फैक्टोरियल इज 120, हुआ क्या, 1 इसमें लोड हो गया, एफ में भी 1 मौजूद है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू एफ में क्या वापस आ गया, 1 आ गया। फिर इसके बाद आई ने 1 की बजाय 2 दे दिया, आई को, आई के पास 1 की बजाय 2 आ गया, एफ में क्या मौजूद है, 1 मौजूद है क्योंकि अभी हमें 1 किया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एफ में 2 लोड हो जाएगा। फिर इसके बाद आई में हम लोग क्या करेंगे, आई में 3 लोड होगा, यहाँ से 3 लोड होगा ना, क्योंकि 5 तक जाएगा ये, एफ में क्यों मौजूद है 2, आई में क्या मौजूद है 3, 3 2 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर आई में 4 लोड होगा, एफ में 6 है, 6 4 24 24 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 लोड होगा, तो 5 24 120, और ये 120 हमारे पास डिस्प्ले हो गया। ठीक है, समझ में आ गई किस तरीके से हम लोगों ने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम यहाँ पर किया। ओके, मैं देखता हूँ यहाँ पर, मैं साथ के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ पर स्टोर भी कर लेता हूँ। यहाँ मैं एक और फाइल बना लेता हूँ फॉर लूप के नाम से, और इसमें मैं यहाँ पर फैक्टोरियल, ठीक है, अब मैं इधर से एडिटर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपका ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, अगर मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या करें, हमारे पास ये जो वैल्यू मौजूद है फैक्टोरियल के अलावा, अब मैं इसमें टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ। टेबल हमें पता है ना, वो मैंने वाइल एंड डू वाइल सेव कराया था, वही टेबल हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टी ए बी इक्वल टू 4 लिख देता हूँ। ठीक है, टेबल की वैल्यू 4। अब ये टेबल की वैल्यू 4 का मतलब है 4 का टेबल मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब टेबल में अगर देखें तो 4 1 4 4 2 8 4 3 हमारे पास 12 कहाँ तक जाता है, 1 2 10 जाता है। इसका मतलब है मैं लूप चलाऊँ 1 2 11। ठीक है, और हर बार मुझे वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब प्रिंट यहाँ पर करना है। यहाँ पर मैं प्रिंट 7 LN, ताकि वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर चला जाए। अब ये देखिएगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक नंबर प्रिंट करना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई, फिर मैं स्पेस देना, फिर मेरे पास स्टैरिक का साइन प्रिंट हो, सिर्फ वैल्यू उसी वेरिएबल की प्रिंट होगी जिसके लिए ब्रैकेट लगा होगा, बाकी जो कुछ लिखेंगे इसके अंदर वो एज इट इज हमारे पास आता है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाई, फिर स्पेस दी, फिर मैंने इक्वल का साइन लगाया, फिर इसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाई। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें टेबल नंबर चाहिए, उसके लिए मेरे पास टी ए बी मौजूद है। ठीक है, टेबल नंबर, और इसके बाद 1 2 3 4 5 स्टैरिक के बाद वो किस में आएगा, आई में, आई बार बार चेंज होगा। फिर इसके बाद दोनों का मल्टीपल, सो टेबल, और इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन और आई लगा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखिएगा ये हो क्या रहा है, सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो 4 1s of 4 आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, यहां से आ रहा है 4 1s, ये लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के लिए, टैब प्रिंट होगा, टैब में क्या 4 4 डिस्प्ले हो गया, आई में पहली बार क्या 1, तो 1 डिस्प्ले हो गया, स्टैरिक का साइन डिस्प्ले हुआ, उसके बाद इक्वल साइन डिस्प्ले हुआ, फिर टैब मल्टीप्लाई बाय 1, टैब में 4, आई में 1 है, 4 1s of 4 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आई में 1 का इजाफा हो गया, आई 2 पर चला गया, तो टैब में हमारे पास क्या है वही 4, आई कहां पर आ गया 2 पर, और उसके बाद इस वैल्यू के लिए टैब मल्टीप्लाई बाय टैब में 4 है, आई में 2 है, 4 2 8। ठीक है, इस तरीके से चलती रहेगी और 1 2 10 तक ये वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले कर देगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल डिस्प्ले करते हैं, तो उस टेबल के लिए ये कोड हमारे पास आ गया। ओके, तो यूं हमारे ये फॉर लूप जो है वो उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर लूप से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी इश्यूज हो तो आप लोग बताइएगा। फॉर लूप से रिलेटेड छोटी सी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर जाकर हम लोगों ने, जब मैं लूप वगैरह, अरे वगैरह यूज़ करूँगा या कलेक्शंस हमारे पास जो यूज़ है उनको मैं यूज़ करेंगे, तो हम लोगों को लूप ही यूज़ करनी पड़ेगी, तो वहाँ भी हमारी मजीद प्रैक्टिसेस हो जाएंगी। ओके, अब मैं आप लोगों को मजीद साथ के साथ ये भी बताता हूँ कि हमारे पास जो VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, उसके अंदर हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। उसका एक आसान सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ भी, कोई भी टर्मिनल्स वगैरह में कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए आप पाथ पे जाओ, पाथ पे जाकर वहाँ सारा का सारा करो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्या करो,
न्यू एक फोल्डर बना लो। ओके, ये फोल्डर हमारा बन गया। अब इस फोल्डर में मैं यहां पर कह देता हूं कि रस्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है, रस्ट प्रोग्रामिंग, ये मेरे पास एक फोल्डर मौजूद है। अब ये जो रस्ट प्रोग्रामिंग का फोल्डर हमारे पास मौजूद है, अब इस फोल्डर में मैं क्या चाहता हूं कि इस फोल्डर के अंदर ही मैं यहां पर वो कार्गो रन के जरिए से, कार्गो न्यू के जरिए से हम लोग यहां फोल्डर क्रिएट करते हैं, मैं क्रिएट नहीं कर रहा। मैं जाता हूं, मैं क्या करता हूं, वीएस कोड को ओपन करता हूं। तमाम में ऐसे ही कीजिएगा, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो मैं यहां पर ये विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन किया, ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड आ जाएगा हमारे पास। अब कोड आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे, मतलब न्यू फाइल कर रहा हूं, आपने ओपन फोल्डर कर लेना, क्योंकि अभी मैंने फोल्डर बनाया। तो कहां पर बनाया, डेस्कटॉप पर, मैं डेस्कटॉप पर चला जाता हूं, ये रखा हुआ है रस्ट प्रोग्रामिंग का। ओके, ये फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया, यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहां पर कुछ है, कुछ भी नहीं है, रस्ट प्रोग्रामिंग एक एम्प्टी है हमारे पास, कुछ भी नहीं आया हुआ। अब इसमें मैंने क्या करनी है, एक फाइल क्रिएट करनी है वो जिसमें रस्ट मौजूद होता है। तो आसान सा तरीका है, ये टर्मिनल खड़ा है, ठीक है, अगर टर्मिनल ना आए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्रेस कर दीजिएगा, प्लस हमारे पास वो कॉमा प्रेस कर दीजिएगा, डॉट तो आ जाएगा, वरना ये टर्मिनल पे क्लिक किया मैंने, ये टर्मिनल आ गया, ठीक है। अब टर्मिनल पे आकर यहीं पर लिख लें, आपको ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में ये आपको रखा हुआ है। अब यहां पर क्या लिखता हूं, कार्गो न्यू, प्रोजेक्ट का नाम हम क्या लिख देते हैं, हम प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं लूप, एल डब्ल्यू पी लूप, ठीक है, ये मैंने रन किया। अच्छा, लूप कैन नॉट बी यूज क्योंकि लूप रिजर्वर्ड है। कार्गो न्यू, यहां पर लिखता हूं फॉर लूप, इकट्ठा लिख देता हूं, ठीक है, ये क्रिएट हो गया। ये देखिएगा, ये बन गया हमारे पास, ये एसआरसी आया हुआ है, ये मेन, ये देखिएगा मेन आ गया। मैं इसको मिनिमाइज करके आपको इसमें भी दिखा देता हूं, ये यहां पर आया हुआ है, ठीक है। कोई भी आपको सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में आप लोग मतलब एक टेंशन लेते हैं, हमें वाकई एक ही इशू है हमारे लिए। अब इसके बाद हम लोगों ने इसको रन करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, कार्गो और रन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, कार्गो और उसके बाद आर यू एन, कमांड में भूल गया आई थिंक, मैं वापस जाता हूं अपने इसमें, तो कार्गो रन ही मौजूद थी, तो मुझसे क्या मिस्टेक हो रही है, मैं अगेन चेक करता हूँ हमारे पास वीएस कोड में। तो मैं कार्गो रन, ओके 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 ओके, मैं रस्ट प्रोग्रामिंग में खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर नहीं हूँ, सॉरी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सीडी और फॉर लूप, ठीक है, वो मैं देखना भूल गया, मैं दूसरे फोल्डर में मौजूद था। अब ये देखिएगा, मैं यहां पर क्या लिखता हूं, कार्गो, ठीक है, और उसके बाद ये रन, लेट मी चेक अगेन के यहां पर क्या इशू आ रहा है। मैं इसको एक बार ऑफ कर लेता हूँ, तो ऑप्सो मुझे लगता है कोई और इशू ना हो। तो मैं दूसरा भी तरीका आप लोगों को बता दूंगा, यहाँ पर ये रस्ट है, मैं अगेन से ओपन करता हूँ इसको, ये जो फोल्डर मौजूद है फॉर लूप का, इसको मैं दोबारा से वीएस कोड में आता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पर आकर मैं अगेन से फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन फोल्डर, ये मेरे पास रस्ट प्रोग्रामिंग है, ये मेरे पास फॉर लूप है, ये मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, ये एसआरसी आया हुआ है, तो एसआरसी के अंदर ये मेन मौजूद है। अब ये टर्मिनल पे मैं आता हूं, ये टर्मिनल पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद सीडी एसआरसी, ठीक है, एसआरसी में आ गया। अब ये कार्गो और यहां पर ये रन लिखा, ठीक है, ये बिल्ड किया और ये हेलो वर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो गया। ओके, वो पाथ डायरेक्टरी का हमें इशू आ रहा था, वो मैंने आप लोगों को साथ के साथ बता दिया कि किस तरीके से आप लोग इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं होता आप लोगों से, अभी भी स्टिल आपको डायरेक्टरी वगैरह मूव करनी है, तो उसका भी एक और आसान तरीकाकार है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है,
क्योंकि ये तो आप लोगों को डाउनलोड करना ही करना है हर हाल में, वो क्या है, वो गिट बैश। ठीक है, आप लोगों ने गिट तो करनी है ना, इसके लिए आपने गिट बैश तो डाउनलोड करना है। तो गिट बैश पर जाइएगा, गिट बैश पर आगे यहां पर ये देखिएगा, यहां से आप ये क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके बाद ये क्लिक किया, यहां पर आप देखिएगा विंडोइंग सिस्टम के लिए कौन सा हमारे पास मौजूद है, सुटेबल आ गया ये 44 MB का ये गिट बैश हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, आप ये गिट बैश जैसे इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आप लोग इसको चलाइएगा और वो हमारे पास वो आपका गिट का वर्जन हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिएगा, मैं वापस आता हूँ यहाँ पर रस्ट प्रोग्रामिंग में, मैं एक और भी क्रिएट करता हूँ। अभी देखिएगा इंस्टॉल करते ही ऐसे दो ऑप्शन आ जाएंगे, आपने गिट बैश हेयर पे क्लिक कर लेना, ये देखिएगा ये आया हुआ है। अब यहां पर मैं लिखता हूँ कार्गो न्यू, न्यू के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर HTM PIAIC लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्रिएट किया, इसको मैं ऑफ करता हूँ, ये देखिएगा PIAIC में ये SRC आ गया। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा, साथ की साथ आप ना VS कोड के अंदर भी इसको, सॉरी VS कोड को मैंने बंद कर दिया, तो VS कोड में भी इसको ओपन कर लीजिएगा। VS कोड में कैसे ओपन कर सकते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से गया मैं और मैंने ओपन फोल्डर किया, ओपन फोल्डर में PIAIC को मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, ये आपका PIAIC में SRC आया हुआ है, ये रस्ट, ये देखिएगा हेलो वर्ड लिखा हुआ है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसी फोल्डर में आ जाना, ये बाकी फोल्डर्स में बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए SRC में डायरेक्टली पहुँच गए, कोई डायरेक्टरी में जाने की जरूरत नहीं, राइट क्लिक कीजिएगा, गिट बैश पर ओपन किया, ये देखिए ऑटोमेटिकली उस डायरेक्टरी में खड़ा है। अब आपने क्या लिख देना है, कार्गो रन। ठीक है, बिल्ड किया, हेलो वर्ड आ गया। इसके बाद मैं अगेन जाता हूँ VS कोड में, अगर कोई भी, मैं ये डाउनलोडिंग ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये डाउनलोड है। अब मैं हेलो वर्ड की बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो PIAIC। ठीक है, ये मैंने इसको सेव किया। यहाँ पर सेव करने के बाद अगेन मैं क्या करता हूँ, कार्गो, बल्कि इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये डायरेक्टरीज खुद ब खुद ही रिमेंबर रखता है, ये देखिएगा हेलो PIAIC आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ साथ के साथ चलाते जाइएगा, यहाँ साथ के साथ टर्मिनल पे बस आप कीजिएगा और कार्गो रन प्रेस कर देना। ठीक है, अब यहाँ जैसे मैं लूप यूज करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ फार, ठीक है, आई, फिर इसके बाद मैंने लिखा इन, और फिर मैंने लिखा वन डबल डॉट, और मैंने लिख दिया 14, इसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट में मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट एलन। ठीक है, इसमें मैंने आपकी ये ब्रैकेट यूज की। ठीक है, ब्रैकेट यूज करने के बाद यहां मैंने कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद मैंने आई को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये मैंने किया सेव। सेव करने के बाद वापस जाएं, अप की प्रेस करें और कार्गो रन क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे ये देखिएगा 1 to 10 हमारे पास डिस्प्ले होगी। ये गिट बैश जितनी भी आपने कभी भी कोई भी आप लोगों ने थ्रू आउट द विंडो जो भी आप लोगों ने लिखा हुआ होगा वो सारा का सारा रिमेंबर रखेगा। ये देखिएगा कितनी डायरेक्टरीज मौजूद है हमारे पास, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिएगा कितनी डायरेक्टरीज हमारे पास है। ठीक है, तो ये मैंने इतने पाइथन डिजंगो वगैरह पे भी काम कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ ये जितनी भी डायरेक्टरीज हैं मैंने यूज़ की है वो सारी इसने रिमेंबर की हुई है। विंडो ऑफ हुई, वापस आ गई, नहीं, जब तक री इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे आप लोग, तो मतलब विंडो दोबारा से इंस्टॉल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये रिमेंबर ही रखेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग गिट बैश को भी यूज़ करके अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।